लोगों को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। उफ़, मेरे तो कान पक गए पिया। हेलो गाइस, क्या हाल है तुम सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन स्टील ट्रूप्स के कुछ एनिमेशन एरर्स के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली मैं एपिसोड्स वगैरह से एनिमेशन एरर्स निकालता हूँ, बट आज हम लोग डोरेमोन मूवी के एनिमेशन एरर्स निकालने वाले हैं। सो आई होप तुम लोग को यार मजा आएगा वीडियो में, और अगर ऐसे वीडियो पसंद है यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना मार टाइम को वेस्ट किए, लेट्स गो। मिस्टेक नंबर वन, दोस्तों भी आप देख सकते हो कि नोबिता जो है वो अंटार्कटिका गया हुआ है, और जब जूडो का पहला पार्ट वहाँ पे गिरता है तो नोबिता वहीं पे स्लाइड होते होते अपने घर में आ जाता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो जूडो के पैर का पार्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो एनीवेयर डोर से अंदर कहाँ से आ गया, एनीवेयर डोर तो बहुत ही छोटा होता है। मिस्टेक नंबर टू, दोस्तों भी आप देख सकते हो कि डोरेमोन ने लिविंग रूम फिशिंग सेट निकाला है अपनी जेब से, लेकिन अगर आप गौर करो तो यार इसकी ये वाली जगह रेड है और ये दूसरी जगह ब्लू है, लेकिन यार जब डोरेमोन इसको बिछाता है तो ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है, ये जगह रेड हो जाती है और वो जगह ब्लू हो जाती है। अगर तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की थी तो कमेंट में जरूर बताना। मिस्टेक नंबर थ्री, दोस्तों भी आप देख सकते हो कि नोबिता और डोरेमोन ने सुपर ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि वो जूडो के सारे पार्ट्स को मिरर वर्ल्ड में लेके जा सके। दोस्तों, लेकिन अगर आप गौर करो तो इन ग्लव्स पे दो रेड कलर के बटन होते हैं, लेकिन यार इस एक सीन में नोबिता के ग्लव पे तीन बटन आ जाते हैं। मिस्टेक नंबर फोर, दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि नोबिता स्कूल के अंदर कौन से जूते पहन के खड़ा हुआ है, ये कुछ ग्रे कलर के जूते हैं, लेकिन स्कूल से वापस आते हुए वो येलो कलर के हो जाते हैं। तो यार मैंने वैसे कई कमेंट्स पढ़े हैं कि यार जापान के स्कूल में ये सब होता है, तो अगर होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर सही में ऐसा होता है तो। मिस्टेक नंबर फाइव, दोस्तों भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो पिप्पो है वो शांत नहीं हो रहा है, तो उसको ये लोग डोरेमोन के गैजेट में डाल देते हैं, और यार नोबिता पिप्पो के सर पे ट्रांसलेशन टूल भी साथ डाल देता है, लेकिन जब पिप्पो को बाहर निकालते हैं ट्रांसलेशन टूल तो वहाँ पे होता ही नहीं है। मिस्टेक नंबर सिक्स, दोस्तों नोबिता का पूरा पैर हवा में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लेकिन यार उसका जूता साथ ही लटका हुआ है। मिस्टेक नंबर सेवन, दोस्तों भी आप देख सकते हो ये सारे यहाँ पे मजे कर रहे हैं सुपर मार्केट से चीजें लाके और अपना खा रहे हैं चीजें, तो यार जियान ने यहाँ पे चिकन का बाइट लिया है जो कि ऑब्वियसली कम हो गया, लेकिन नेक्स्ट सीन में चिकन फिर से पूरा हो जाता है। मिस्टेक नंबर नाइन, दोस्तों अभी ये मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये होता है या नहीं होता है। दोस्तों अभी आपको पता है कि स्मॉल लाइट जो होती है वो चीजों को छोटा करने के लिए होती है, तो यार डोरेमोन जब रियोरू को छोटा कर देता है, लेकिन शिज़ुका स्मॉल लाइट की मदद से ही रियोरू को बड़ा कर देती है, हालांकि बड़ा करने के लिए तो बिग लाइट होती है, लेकिन यार अगर स्मॉल लाइट से भी बड़ा किया जा सकता है वैसे मुझे नहीं लगता, पर अगर ये होता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिस्टेक नंबर टेन, दोस्तों नोबिता की मॉम खाने में बहुत स्लो है यार कसम से। ये देखो अभी नोबिता की मॉम की जो प्लेट है उसके अंदर 6 कुकीज हैं और वो एक कुकी खा रही है, ठीक है। अब देखो नोबिता बाहर से खेल के भी आ गया, स्कूल से वापस आके खेल कूद के रियोरू को अपने घर में ले आया, और तब भी उसकी मॉम ने सिर्फ एक ही बिस्किट खत्म करा है। मिस्टेक नंबर 11, दोस्तों भी आप देख सकते हो कि ये जो नोबिता की मॉम के आगे ग्लास पड़ा है किस तरह का है, लेकिन नेक्स्ट सीन में थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। मिस्टेक नंबर 12, दोस्तों भी आप देख सकते हो पिप्पो के ऊपर जो है ये लीव्स गिर चुके हैं व्हाइट वाले, लेकिन यार अगर आप गौर करो तो पिप्पो की हाइट इतनी भी छोटी नहीं है जितने बड़े लीव्स लग रहे हैं, एक एक लीव उसके पूरे मुंह पे आ गया है। मिस्टेक नंबर 13, दोस्तों नोबिता इस ट्रक में कैसे गिर गया मुझे ये चीज नहीं समझ आई, बिकॉज सबसे पहले जब धमाका किया था रोबोट्स ने तो सबसे पहले यही वाला ट्रक उड़ा था, तो नोबिता इसके अंदर कहां चला गया मुझे समझ नहीं आई। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों भी आप देख सकते हो इस सीन में वो लोग एनीवेयर डोर से जा रहे हैं रोबोट्स का मुकाबला करने के लिए, तो इनमें से किसी ने जूती नहीं पहनी है, सबने सॉक्स पहनी हुई है, लेकिन जब वो वहां पे जाते हैं एनीवेयर डोर से तो उन सबके पैरों में जूती आ जाती है, जबकि नोबिता की जूती डोरेमोन के हाथ में होती है, बाकी सबके पैरों में जूती कहां से आ गई। और यार इस सीन में नोबिता जो है वो जूते अंदर लेके आया था जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट सीन में वो जूते गायब हो जाते हैं। दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप तुम लोग को वीडियो में मजा आया होगा, ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग गया, तो एक लाइक दे देना, और यार जो जो चीजें मैंने पूछी जो मुझे नहीं समझ आई उनका भी मुझे कमेंट में बताना अगर तुम लोग को पता है। तो यार ऐसी और वीडियोस देखने और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।